मोबाइल तो बहुत घनो इफेक्ट करे आ मामला पर। ईगो ज्यादा होता है, दोनों में ईगो को लेके खड़े हो जाते हैं, आपस में लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। कि ये रिश्तेदार होते हैं वो इस रिश्ते को कभी पनपने नहीं देते, आग में घी डालने का काम शुरू कर देते हैं। लड़का चाहता था कि मेरा घर बस जाए और लड़की 1.5 साल से अपने पैर बैठी थी। हमारा नाम मनोज थे, देख रहे हो दिल को चूरू। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल बटन भी दबाइए। फिलहाल चूरू का महिला थाने में महिला सुरक्षा केंद्र में जो है बातचीत कराऊँ। पीछे लॉकडाउन के अंदर कितना ज़्यादा मामला आया है, कई हिसाबों वो महिला केंद्र है बनेडो एवं वो मामला निपटारो करे है और कई हिसाब का मामला फिलहाल ज़्यादा आने लग रहा है। मैम लगातार आज एक सुलझेरो भी करे थे, के टाइप का मामला लगातार क्षेत्र में ज़्यादा आने लग रहे हैं। MSSK के अंदर लॉकडाउन में काफ़ी केसेज बढ़े। केसेज बढ़ने का कारण क्या था कि या तो पति या पत्नी बाहर कमाने चले जाते थे, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब हो, लेकिन लॉकडाउन के दौरान दोनों घर बैठे थे। घर बैठे थे तो आपस में वही छोटी छोटी बात मोबाइल को लेके आपस में विवाद हो गया। जो केसेज कंटिन्यू आ रहे हैं वो या तो मारपीट से या फिर घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में या तो ये है कि आपस में बोलने में ध्यान नहीं रखते हैं, ज़्यादा ऊंच नीच का फर्क कर देते हैं, तो इसमें आपस में वही होता है, ईगो ज़्यादा होता है, दोनों में ईगो को लेके खड़े हो जाते हैं और आपस में लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। तो ज़्यादातर मामले लॉकडाउन में यही आए घरेलू हिंसा और मारपीट के। जो MSSK की काउंसलर है इन्होंने अच्छे से उनको सुना, अच्छे से उनकी समझाई से की वापस घर बसाने का प्रयास किया। एक कारण है जो को मोबाइल फोन भी सामने आ रहे है, तो मोबाइल की तो ज्यादा इफेक्ट है आम मामला पर कर रहे हैं। मोबाइल तो बहुत घनो इफेक्ट करे आम मामला पर। मोबाइल को आया है यूज की, अगर वो पति को लेके देख लो चाहे पत्नी को लेके देख लो, अगर मोबाइल का उपयोग अगर पॉजिटिव वे से अगर देखा तो अच्छा रहे, लेकिन बिल्कुल नेगेटिव रेस्पॉन्स ज्यादा आ रहे हैं। या जो बात अपन अपनी फैमिली अपनी बहन या अपने रिश्तेदारों 5 मिनट में खत्म करनी चाहिए, बच्चे रो रहे होते हैं, पति अगर आ गया ड्यूटी से तो ध्यान नहीं देती, तो मोबाइल पे लगी रहती हैं, तो वो गुस्से में आता है, गुस्से में आके कुछ गलत वलत कर देता है, तो मोबाइल काफ़ी हद तक इन मामलों में देखने को आया समस्या सी बन के रह गई और ये मोबाइल भी एक समस्या से रूप में जूझ रहा है। लेकिन कहने को मतलब मोटा मोटी यही है कि मोबाइल का अगर पॉजिटिव उपयोग करेंगे तो शायद अपने लिए बेहतर होगा। महिला सुरक्षा जो केंद्र है वो के टाइप में काम करते हैं, लोग अपील अटकर सके है कि आज के महिला सलाह और सुरक्षा केंद्र आपने अठे कंटिन्यू 2011 कार्यरत है, दो काउंसलर अठे बैठी हैं, या तो फोन के माध्यम अठे अपनी समस्या बता दो, क्योंकि गूगल के ऊपर इन दोनों काउंसलर के नंबर दिए गए, या पोर्टल पे अपनी सूचना डलवा दो तो पोर्टल के माध्यम से इनके पास आ जाए, या फिर खुद चल के भी जो पीड़िता है या पीड़ित है जो भी है वो चल के भी आके अपनी समस्या दर्ज करवा सके, फिर उन समस्याओं को देख के इनको कॉन्टैक्ट नंबर जो लिखे होते हैं उन पे फोन वोन करके इनको बुला लिया जाता है, फिर इनकी समस्या को सुन के इनका समाधान किया जाता है। अब ये व्यवस्था ये जिला स्तर पर है तो इन्हें तहसील स्तर के ऊपर भी है क्या इस व्यवस्था? नहीं नहीं, ये जिला स्तर पे ही होता है MSSK, तहसील स्तर पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तहसील स्तर पे ये है कि जगह जगह इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो भी विभाग के सरकारी कार्मिक है या मानदेय कार्मिक है इन सबको इनके बारे में बताया जाता है, MSSK के बारे में कि ऐसा अपना कोई केंद्र चल रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ऐसा बता कर उनको सबको ये प्रचार प्रसार करके बताएं ताकि हर एक इंसान जो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो यहाँ आके फेस कर सके और बता सके और अपनी समस्या को सुलझवा सके। हरी के टाइप की पोस्टिंग मतलब है कि कुछ करो थे? मैं महिला अधिकारिता विभाग में सुपरवाइजर, कृष्णा नाम है मेरा। दीदी मामला ही बात करते हैं तो लगातार के टाइप का मामला ही बात कर लिया ज़्यादा आ रहे हैं महीने और पिछले यदि लॉकडाउन में करा तो खास करके कौन सा विशेष तौर मामला है? देखो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मामले वही हैं जो आपस में मनमुटाव हो जाता है। जी देखा पूरा मामला यदि बात करिए तो एक मैंने खास बात आ रहा है कि जिसका बिचौलिया टाइप का व्यक्ति है वह मामला तूल पकड़ान के अंदर आपकी भूमिका आपा मानसिका के बहुत ज़्यादा निभावे तो बांगो की तो किए ज़्यादा एंग में योगदान रहे है, मामूली सी बात हो है लेकिन इतना ज़्यादा तूल पकड़ा देगा थाना कचहरी करके आपा मानसिका तो बातचीत भी इफेक्ट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल वो ही रहती है कि ये रिश्तेदार होते हैं वो इस रिश्ते को कभी पनपने नहीं देते, वो ज़्यादातर वो लोग चाहते हैं कि ये रिश्ता टूटे और उनके जो टूटने का स्थान ये रहता है कि वो चाहते हैं कि किसी दूसरी जगह इसको जोड़ा जाए तो अपने रिश्तेदार के यहाँ जोड़ने की कोशिश करते हैं इसको, जब उनको पता लग जाता है कि झगड़ा स्टार्ट हो गया तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है बात कर लिया तो मामला है जी का जी यहाँ हुआ कुछ ही अनबन हुआ मामूली शुरू के अंदर लेकिन बने जी बाद में रेप के अंदर या दहेज के मामला में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसे भी बहुत सा मामला आता होगा शायद? बिल्कुल आते हैं लेकिन वो है रिश्तेदारों का वही सिस्टम रहता है, इसमें रिश्तेदार तैयार करते हैं फिर कई लोग ऐसे हो जाते हैं उनको इतना लालच दे देते हैं कि आपको इतने पैसे दिला देंगे ऐसे करके तो वो पब्लिक उसके बहकावे में आ जाती है और हस्बैंड वाइफ वही चाह रहे हैं कि हम साथ में रहें लेकिन वो उनके रिश्तेदार होते हैं वो उसमें आग में घी डालने का काम शुरू कर देते हैं
और करने के बाद वही होता है धीरे 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 उनमें दूरियां बढ़ जाती है। अच्छा ऐसा जी जो झूठा मामला हुआ तो बंग ऊपर बाद में कोई कार्रवाई भी कोर्ट द्वारा या पमांस का कानून द्वारा या थारेसला के अंदर द्वारा क्रेजस के नहीं कानूनी कार्रवाई तो देखो नहीं करते, लेकिन इसमें ये उन लोगों को समझाइश करते हैं। तो जहाँ तक हमारा सिस्टम ये रहता है कि जहाँ तक वो हम समझाइश करते हैं और एक परिवार को टूटने से बचाते हैं, एक बच्चों को बेघर होने से बचाते हैं, तो हमारा सिस्टम ये रहता है कि जहाँ तक वो परिवार अगर गलती मान लेता है तो हम मानते हैं कि उसको एक ऐसी सजा मिल गई। एक जी मामलों पहली और बाद में कितो अंतर है एक पति पत्नी के बीच में आ जाए अठारह बाद में या अपमानस का बीच में दरार आए बाद में? नहीं दरार आने के बाद ये है कि जहाँ तक हम लोग सोचते हैं कि मामले को समझाइश करके जाते हैं तो वो बेहतर ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। पहले वाली ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाता है, बीच में जो दो चार साल उनके निकल जाते हैं और दो चार साल निकलने के बाद वो खुश तो नहीं रह पाते, लेकिन जब भी हम काउंसलिंग करके उनको समझाइश करके भेजते हैं तो बहुत अच्छे से वो समझ जाते हैं कि हमने जो दो चार साल खराब करे जिनका जो टाइम निकाला वो गलत था, हम गलत थे। आपने लगभग कितो स्टाफ है जिसको चूरू मौजूद है? इसमें महिला सुरक्षा केंद्र में अभी दो काउंसलर बैठते हैं, बाकी हम लोग सुपरवाइजर्स जैसे ब्लॉक में सुपरवाइजर्स बैठते हैं और डिस्ट्रिक्ट में मैं प्रोटेक्शन ऑफिसर बैठता हूँ, तो कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो हम खुद काउंसलिंग में बैठते हैं। अक्टूबर 2019 से अब तक के 2691 मामले आए जिनमें 2619 मामलों का निपटान कर चुके हैं। लॉकडाउन के बाद में 7 या 8 मामले हमारे पास रोज आ जाते हैं, थाने से आते हैं और पर्सनल आ जाते हैं। हम उन दोनों पक्षों को फोन करते हैं और फोन करके दोनों पक्षों को बुलाते हैं, आपस में बैठा के उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं। लड़का चाहता था कि मेरा घर बस जाए और लड़की 1.5 साल से अपने पियर बैठी थी और वो लड़का चाह रहा था कि उसके 2 बच्चे थे कि मेरा घर बच जाए, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो, इसलिए उसने हमारे पास एक एप्लीकेशन लगाई और 10 दिन हुई है उस एप्लीकेशन को। 10 दिन में हमने 3 बार उसकी काउंसलिंग की, आज उसका घर बसा दिया। 1.5 साल से 2 बच्ची अपने घर बैठी हुई थी, आज अपने ससुराल जा रही है। तो चूरू स्पेशल कवरेज कवरेज के अंदर बात है अपन करी हाँ महिला सलाह केंद्र मंडेडो है जी को चूरू के अंदर बैंग अंदर ये आज की कवरेज पर के कुछ सोच रहे हो जरूर और बताओगा कमेंट बॉक्स के द्वारा। बाकी बहुत बढ़िया काम है जी को आन द्वारा करे जा रही है के जी को झगड़ो है वो होवे कुछ और बने रूप और कुछ दियो जावे बने व्यवस्थित करने की कोशिश आन द्वारा करे जावे। जय चूरू जय राजस्थान जय हिंद।